же боли нет в моем сердце. Улетаю, рывками глотаю свободу. Hello, दोस्तों, मैं हूं तैमूर और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है डिफरेंस अमंग पीरियोडिक ऑसिलेटरी एंड SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आप अभी देख रहे हैं फिजिक्स बाय तैमूर चैनल. और आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस अमंग पीरियोडिक ऑसिलेटरी एंड SHM. पीरियोडिक मोशन की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये वो वाली मोशन है जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती है, यानी इटसेल्फ को जो रिपीट करे उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ये वाली वो मोशन है जो अपने आप को जो है वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती है. मसलन अगर मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दूँ तो इसमें है डे एंड नाइट चेंज, सीजन चेंजेस एंड योर स्कूल टाइमिंग. मतलब आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्कूल जाते हो, आपका सुबह 8 बजे स्कूल शुरू होता है, तो ये एक रेगुलर इंटरवल है. डेली आपको सुबह 8 बजे ही स्कूल में एंटर होना होता है. इसी तरह अगर डे एंड नाइट की बात करें तो 24 घंटे का दिन होता है और हर 24 घंटे के बाद ये रिपीट करता रहता है अपने आप को. तो इस तरह ये चेंजेस भी जो उनसे हैं ये पीरियोडिक मोशन में आते हैं, यानी कि एक खास इंटरवल के बाद अपने आप को जो चीज़ चेंज करे उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. इसी तरह अगर ऑसिलेटरी मोशन की मैं बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन वो वाली मोशन है जो इसमें जो है वो ये है तो पीरियोडिक मोशन ही, लेकिन वो वाली मोशन जो टू एंड फ्रो टाइप की हो, मतलब आगे और पीछे एक मेन पोजीशन हो, मेन पोजीशन से आगे भी मूव करे और पीछे भी मूव करे, उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. और इसको अगर मैं मैथमेटिकली आपके सामने ड्रॉ करूँ तो ये इसका ये वाला फार्मूला बनता है F=-KX^n. अब ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी, यानी अगर जितना पार्टिकल मेन पोजीशन से दूर होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और जितना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी. मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा फोर्स होगी. और ये जो एन है ये नंबर को शो कर रहा है और ये हमेशा ऑड होता है, यानी 1359 ये इसकी सिचुएशन रहती है. अब अगर इसके लिए मैं मजीद फार्मूलाज ड्रॉ करूं तो ये कुछ मैंने फार्मूलाज ड्रॉ किए हुए हैं. F=-KX^(1, 3, and 5), यानी एन को मैंने वैल्यूज दे दी हैं 1, 3, 5 and so on, यानी कि इसको ऑड नंबर आपने देते जाना है. और अगर इसकी एग्जांपल में बयान करूं तो पेंडुलम की मोशन जो उनसी है वो ऑसिलेटरी मोशन को शो करती है, यानी ये ऑसिलेट करती है, एक मेन पोजिशन है, मेन पोजिशन के इर्द गिर्द पेंडुलम जो है वो उसके साथ जो बॉब लटका होता है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा होता है, एक मेन पोजीशन क्या टू एंड फ्रो मोशन उसके गिर्द कर रहा होता है. तो इसकी एक और जो तीसरी टाइप है वो है SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन की, यानी ये है ऑसिलेटरी मोशन ही लेकिन उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसे हम SHM कहते हैं. तो इसके लिए मैंने अगेन ये वाले फार्मूलाज ही तीनों ड्रॉ किए हैं. नीचे ये वाले F=-KX^(1), F=-KX^(3), and F=-KX^(5). अब इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इन तीनों में हमें पता चल रहा है कि जिसकी पावर 1 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो इसके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका ये वाला फार्मूला है, यानी इस फार्मूले को हम सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी होगी ऑसिलेटरी मोशन की उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. और ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिकदार पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए इनको हम इग्नोर कर देते हैं और इसको हम काउंट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में. अब ये तीनों जब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं तो इनमें हमें दो बातें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं कि जो तमाम ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो पीरियोडिक मोशंस हैं और जो तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी मोशंस हैं. मतलब सबसे जो बड़ी में से आई है वो हमारे पास पीरियोडिक है, पीरियोडिक के बाद एक स्मॉलर व्यू आया हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन का, और मज़ीद उससे स्मॉलर जो ऊपर व्यू हमारे पास आया है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का. तो आज के लिए बस इतना ही था. हमारा तीनों चीज़ों में डिफरेंस बेसिक क्या था, तो इसमें पीरियोडिक मोशन वो जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे उसकी एग्जांपल डे एंड नाइट चेंजेस हैं. ऑसिलेटरी मोशन वो जो टू एंड फ्रो मोशन करे मेन पोजीशन की इर्द-गिर्द जो चीज़ मूव करे उसकी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ऑसिलेटरी मोशन की उसको हम कहेंगे जी सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसके साथ ही जाते हैं. अल्लाह हाफिज़.